हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हरिद्वार से उदयपुर सिटी तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इसे हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस भी कहा जाता है और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है उसका ट्रेन नंबर है 19610 और ये जो ट्रेन है ट्राई वीकली ट्रेन है। हफ्ते में 3 दिन चलती है, हर इतवार, मंगलवार और शुक्रवार को ये हरिद्वार से उदयपुर राजस्थान के बीच में चलती है। 21 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 32 स्टेशन है, 975 किलोमीटर के करीब जो है ये दूरी कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 46 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो हरिद्वार से उदयपुर तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है, सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर ले। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 1800 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1240 रुपये, स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 455 रुपये। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है 250 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन हैं हरिद्वार से लेकर उदयपुर सिटी तक। दोस्तों, ये जो ट्रेन है हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, ये हरिद्वार स्टेशन, उत्तराखंड के स्टेशन से ये हफ्ते में 3 दिन चलती है। हर इतवार, मंगलवार और शुक्रवार को ये शाम को 7:40 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रुड़की स्टेशन में पहुंचती है। रुड़की स्टेशन में ये रात के 8:18 पे पहुंचती है और 5 मिनट बाद 8:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है वो टपरी जंक्शन में पहुंचती है। टपरी जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 9:10 पे पहुंचती है और 9:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है वो रामपुर मनिहरन स्टेशन में पहुंचती है। रामपुर मनिहरन स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 9:33 पे पहुंचती है और 9:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शामली स्टेशन में पहुंचती है रात के 10:55 पे और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बारौत स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:43 पे और 11:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस में जो ट्रेन है ये दिल्ली शाहदरा जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:54 पे और 12:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है ओल्ड दिल्ली जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:25 पे और 1:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दिल्ली कैंट स्टेशन में पहुंचती है। दिल्ली कैंट स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 2:08 पे पहुंचती है और 2:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है वो हरियाणा के रिवाड़ी जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:17 पे और 3:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अलवर जंक्शन में पहुंचती है। अलवर जंक्शन में सुबह 4:18 पे पहुंचती है और 4:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजगढ़ स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:56 पे और 4:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है वो बांदीकुई जंक्शन में पहुंचती है सुबह 5:13 पे और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दौसा स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:35 पे और 5:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जयपुर गांधीनगर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:16 पे और 6:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जयपुर जंक्शन में पहुंचती है रात सुबह 7:00 और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है असलपुर जोबनेर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:00 और 8:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फुलेरा जंक्शन में पहुंचती है रात सुबह के 8:00 और 8:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये किशनगढ़ स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:41 पे और 8:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अजमेर जंक्शन में पहुंचती है। अजमेर जंक्शन में हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है सुबह 9:40 पे पहुंचती है और 15 मिनट बाद 9:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है नसीराबाद स्टेशन में पहुंचती है 10:19 पे और 10:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है विजयनगर स्टेशन में पहुंचती है 11:03 पे और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है वो मंडल स्टेशन में पहुंचती है 11:46 पे और 11:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भीलवाड़ा स्टेशन में पहुंचती है। भीलवाड़ा स्टेशन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:12 पे पहुंचती है और 12:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। भीलवाड़ा स्टेशन में ये ट्रेन जो है 5 मिनट के लिए रुकती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके यहां पर इसका स्टॉप है। और यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये हरिद्वार से भीलवाड़ा तक की वो 803 किलोमीटर की ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हमीरगढ़ स्टेशन में पहुंचती है 12:35 पे और 12:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गंगरर स्टेशन में पहुंचती है 12:44 पे 12:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। सॉरी दोस्तों अगर मिस स्पेलिंग हो गई हो। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन में पहुंचती है 2:00 और 2:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चित्तौड़गढ़ के बाद ये ट्रेन जो है कपासन स्टेशन में पहुंचती है। कपासन स्टेशन में ये 3:15 पे पहुंचती है और 3:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है वो फतेहनगर स्टेशन में पहुंचती है 3:35 पे और 3:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मावली जंक्शन में पहुंचती है। मावली जंक्शन में ये ट्रेन जो है 3:45 पे पहुंचती है और 3:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन राणा प्रताप नगर में पहुंचती है 4:22 पे और 4:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरिद्वार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन उदयपुर सिटी राजस्थान में 4:50 पे पहुंचती है और 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 972 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।